दोस्तों आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन के बाद किस तरह का हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्क्वाड, कौन कौन से बड़े बड़े चेंजेस इस टीम के स्क्वाड में हमें देखने को मिल सकते हैं, सारी बातचीत इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप कौन से खिलाड़ी को देखना चाहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड में आईपीएल 2021 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों बात करें अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो पिछले साल का सीजन जब खत्म हुआ था तो इस टीम के कोच ने कंफर्म कर दिया था कि अगर मेगा ऑक्शन होता है अगले साल तो यहां पर आरसीबी का जो स्क्वाड है पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आने वाला है। और यहां पर दोस्तों मेगा ऑक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं आईपीएल 2021 से पहले, और अगर मेगा ऑक्शन होता है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड में काफी सारे चेंजेस जो है हमें नजर आने वाले हैं। और इसलिए दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर मेगा ऑक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आरसीबी की टीम कर सकती है, कौन से 3 प्लेयर को यह टीम रिटेन करेगी, और यहां पर किस तरह के प्लेयर्स जो है ये टीम टारगेट करेगी आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रिटेन प्लेयर की। तो मेगा ऑक्शन में दोस्तों एक टीम जो है सिर्फ 3 प्लेयर मैक्सिमम रिटेन कर सकती है। ये टीम दोस्तों सबसे पहले अपने कप्तान विराट कोहली को जो है वो रिटेन करेगी, दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स रिटेन होंगे, और थर्ड नंबर पर ये टीम जो है देवदत्त पाडिकल को रिटेन करने वाली है। पाडिकल को दोस्तों अगर ये टीम रिटेन करती है तो इनको काफी ज्यादा फायदे होंगे, इसके बारे में हम पहले ही बातचीत जो है वो कर चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर प्रेडिक्टेड स्क्वाड की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर बैट्समैन की अगर बात करें तो 3 बैट्समैन को तो ये टीम रिटेन करने वाली है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और देवदत्त पाडिकल। और इनके अलावा दोस्तों मुश्किल ही ये टीम जो है किसी और अपने बैट्समैन के ऊपर दोबारा जो है वो बिड करे ऑक्शन में, और ऑक्शन में अपने प्लेयर को जो है वो दोबारा लेकर आए। पार्थिव पटेल तो दोस्तों रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं तो वो यहां पर ऑक्शन में आएंगे ही नहीं। गुरकीरत सिंह मान के ऊपर ये टीम दोबारा बिड नहीं करेगी। जोशिया फिलिपी को भी ये टीम जो है वो जाने दे सकती है, और एरन फिंच का भी परफॉर्मेंस जिस तरह का रहा था इनके ऊपर भी ये टीम शायद से ही जो है वो बिड करे। तो बैट्समैन में काफी सारे चेंजेस आरसीबी के स्क्वाड में जो है वो नजर आने वाले हैं। ऑक्शन की दोस्तों अगर बात करें तो ये टीम एक पावर हिटर के ऊपर जरूर बिड करेगी। हेटमायर को ये टीम वापस लेकर आ सकती है जो कि पहले आरसीबी के स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। निकलस पूरन मेगा ऑक्शन में आएंगे तो इनके ऊपर भी ये टीम तगड़ी बिडिंग जो है वो कर सकती है। इंडियन प्लेयर की दोस्तों अगर बात करें तो ईशान किशन के ऊपर ये टीम बिड कर सकती है अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो। अब्दुल समद, प्रियम गर्ग जैसे यंग प्लेयर के ऊपर ये टीम जो है इस साल में बिड करते हुए नजर आ सकती है, जो कि गुरकीरत सिंह मान जैसे प्लेयर को जो है वो करने वाले हैं रिप्लेस। एरन फिंच के रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो जॉनी बेस्टो के ऊपर ये टीम बिड कर सकती है। हैदराबाद की टीम से वो ऑक्शन में आएंगे मेगा ऑक्शन में, और उस समय पे आरसीबी की टीम यहां पर जॉनी बेस्टो के ऊपर बिड जो है वो कर सकती है। वहीं दोस्तों विकेट कीपिंग की ऑप्शन की अगर बात करें तो मैथ्यू वेड के ऊपर भी ये टीम जो है इस साल बिड कर सकती है। मैथ्यू वेड ने दोस्तों T20 सीरीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इंडिया के खिलाफ, और ऐसे में मैथ्यू वेड इस टीम के टारगेट लिस्ट में जो है वो हो सकते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों बैट्समैन की और विकेट कीपर बैट्समैन की। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स की दोस्तों अगर बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर एक नाम यहां पर निकल कर आ रहा है जिनके ऊपर ये टीम दोबारा से जो है वो बिड करने वाली है, लेकर आने वाली है, और इनके ऊपर ये टीम इवन आरटीएम कार्ड का भी यूज जो है वो कर सकती है। इनके अलावा दोस्तों बात करें क्रिस मॉरिस की तो दोबारा से 10 करोड़ रुपए की बिड मुश्किल ही क्रिस मॉरिस के ऊपर ये टीम दे। अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो ये ले आएंगे, वरना ये टीम जो है क्रिस मॉरिस को भी जाने दे सकती है। शिवम दुबे के ऊपर शायद ही ये टीम दोबारा बिड करे जिस तरह का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। मोइन अली, पवन नेगी जैसे प्लेयर को भी ये टीम जो है वो दोबारा से लेकर मुश्किल ही आएगी। इनके अलावा दोस्तों सहवाज अहमद को ये टीम दोबारा लेकर आ सकती है, काफी यंग ऑलराउंडर है ये, अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो ये ले आएंगे। पवन देश पांडे को भी ये टीम जो है यहाँ पर दोबारा बिड नहीं करेगी। तो ऑलराउंडर सेक्शन में भी दोस्तों हमें काफी सारे चेंजेस आरसीबी के स्क्वाड में जो है वो नजर आएंगे। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा नाम नजर आ रहा है जो कि दोबारा से हमें आरसीबी के स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। ऑक्शन की दोस्तों अगर बात करें तो अगर यहां पर सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर ये टीम बिड करती है तो इनको काफी सारे ऑलराउंडर की जरूरत होगी। जिम्मी नीशम, कार्लोस ब्रैथवेट और मार्कस स्टोइनिस जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर ये टीम बिड कर सकती है। स्टोइनिस ने दोस्तों लास्ट ईयर कमाल का परफॉर्मेंस किया था, 2018 के आईपीएल में स्टोइनिस आरसीबी के स्क्वाड का हिस्सा
सकता थे। ऐसे में स्टोइनिस को ये टीम दोबारा से लेकर जो है वो आ सकती है। इनके अलावा दोस्तों इंडियन ऑप्शन की अगर बात करें तो शिवम दुबे की जगह पर ये टीम विजय शंकर को जो है वो लेकर आ सकती है। अगर विजय शंकर ऑक्शन में आते हैं तो उनके ऊपर ये टीम बिड कर सकती है। अनुकूल रॉय जो कि इस समय मुंबई इंडियंस के स्क्वाड का हिस्सा है, इनके ऊपर भी ये टीम बिड कर सकती है, इन्हें भी जो है अगले साल लेकर आ सकती है। तो ये बात हुई दोस्तों ऑलराउंडर्स की। अब बात करें अगर स्पिनर्स की तो यहाँ पर चहल को ये टीम दोबारा से लेकर आने वाली है। इवन आरटीएम कार्ड का यूज भी ये टीम जो है चहल के ऊपर कर सकती है आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन में। इनके अलावा दोस्तों एडम जाम्पा जो कि केन रिचर्डसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर लास्ट ईयर आए थे, काफी अच्छा इनका सीजन गया था, तो इनके ऊपर भी ये टीम दोबारा से बिड जो है वो करने वाली है। ये टीम दोस्तों इस साल के ऑक्शन की अगर बात करें तो एक इंडियन स्पिनर के ऊपर जरूर बिड करेगी। चहल दोस्तों एक दो मैच में काफी महंगे साबित हुए थे लेकिन इनका बैकअप जो है टीम के पास नहीं था, ऐसे में ये टीम एक इंडियन स्पिनर के ऊपर यहां पर बिड करते हुए नजर आ सकती है ऑक्शन में, जिनमें दोस्तों मयंक मार्कंडे एक ऑप्शन हो सकते हैं, राहुल तेवाटिया एक ऑप्शन हो सकते हैं जो कि एज अ ऑलराउंडर भी जो है यहां पर काम आ सकते हैं। अब एंड में दोस्तों बात करें अगर फास्ट बॉलर्स की तो फास्ट बॉलिंग यहां पर पूरी तरीके से चेंज हमें आरसीबी की जो है वो नजर आ सकती है, जहां पर दो नाम ऐसे नजर आ रहे हैं सिर्फ जिनके ऊपर ये टीम दोबारा बिड कर सकती है, जिनमें पहला नाम है मोहम्मद सिराज का, लास्ट ईयर इनका सीजन काफी अच्छा गया था, और दूसरा नाम है दोस्तों नवदीप सैनी का। नवदीप सैनी का भी परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए काफी अच्छा रहता है, इनके ऊपर भी ये टीम दोबारा से बिड जो है वो कर सकती है। इनके अलावा दोस्तों सभी अपने फास्ट बॉलर को ये टीम जो है वो जाने दे सकती है। डेल स्टेन तो कंफर्म यहां पर रिलीज होंगे, इसरू उड़ाना को भी ये टीम जो है वो शायद से ही दोबारा लेकर आए, केन रिचर्डसन को भी यहां पर ये टीम जो है वो रिलीज करने वाली है, उमेश यादव के ऊपर तो ये टीम दोबारा बिड मुश्किल ही करते हुए नजर आए। तो यहां पर फास्ट बॉलिंग पूरी तरीके से चेंज हमें आरसीबी की जो है वो नजर आएगी। अब बात करें अगर ऑक्शन की तो मेगा ऑक्शन में काफी सारे फास्ट बॉलर अवेलेबल होंगे, काफी सारे ऑप्शन होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के पास जिनके ऊपर ये बिड कर सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम होगा इनके पुराने स्टार फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का। स्टार्क अगर ऑक्शन में आते हैं तो ये टीम स्टार्क के ऊपर जरूर बिड करेगी, एक बड़ा अमाउंट अपने पर्स मनी का स्टार्क के ऊपर जो है खर्च कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। इनके अलावा भी दोस्तों काफी सारे फॉरनर फास्ट बॉलर होने वाले हैं, चाहे वो लोकी फर्गसन हो, केन रिचर्डसन जो कि पिछले साल भी स्क्वाड में थे, इनके ऊपर दोबारा बिड कर सकती है। नोकिया जैसे प्लेयर अगर ऑक्शन में आएंगे तो उनके ऊपर ये टीम बिड करेगी, जय रिचर्डसन जैसे प्लेयर के ऊपर ये टीम जो है वो बिड कर सकती है। इंडियन फास्ट बॉलर की दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी जैसे यंग फास्ट बॉलर हमें ऑक्शन में जो है वो नजर आएंगे, जिनके ऊपर बिड कर सकती है आरसीबी की टीम। वहीं दोस्तों इस टीम के सबसे मेन टारगेट प्लेयर में हो सकते हैं टी नटराजन। अगर हैदराबाद की टीम इन्हें रिटेन नहीं करती ऑक्शन में, अगर ये आ जाते हैं तो यहां पर टी नटराजन के ऊपर तगड़ी बिडिंग आरसीबी की टीम भी जो है लगाते हुए हमें नजर आ सकती है। तो दोस्तों ये बात हुई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रेडिक्टेड स्क्वाड की, कि कौन कौन से प्लेयर को ये टीम दोबारा जो है टारगेट कर सकती है अपने प्लेयर को, कौन से तीन प्लेयर को ये टीम रिटेन करेगी, और ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर जो है ये टीम टारगेट कर सकती है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो। इसी तरह से दोस्तों हमने और भी टीमों की वीडियो जो है वो बनाई है, जो कि आपको ऊपर के आई बटन पर जो है वो मिल जाएगी। और भी दोस्तों वीडियो जो है इसी तरह की आने वाली है अदर टीम के ऊपर भी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।